कई सालों से जो आत्मसात हो चुकी है ना, वह गलती को दूर करनी है तो पनिशमेंट के बिना वो दूर नहीं। वहां कोई महाराज खड़े थे, महाराज के पास गए सेठ जी और कहा कि आप भगवान के सामने आइए, मैं भी भगवान के सामने खड़ा रहूं, मैं संघ भी हूं, आज मेरा संघ की माला का दिन है, मुझे अभिग्रह दे दीजिए, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। और जिस दिन गुस्सा हो जाए उसके दूसरे दिन में चोवियारा उपवास कर। महाराज ने कहा जरा समझ के लीजिए, चोवियारा उपवास, रोज की आदत, मांस खमण हो जाए नहीं, ये चोवियारा उपवास मुझे क्रोध से बचाए, क्योंकि मुझसे उपवास तो नहीं होता है। ठीक है, आपकी इच्छा है तो महाराज से मैं दे दिया। और पालीताना से संघवी जी परिवार के साथ तखत गड़ा। ये वो जमाना था, संघ लेके नहीं, सिर्फ पालीताना की यात्रा करने को लोग जाते ना गांव से और वापस आते ना, तो गांव के बाहर पूरा गांव क्या करता, ढोल नगाड़ा लेके कहां जाके आए, पालीताना की यात्रा करने। और आज आपकी यात्रा कैसी होगी? मैं बंबई में था, वालकेश्वर चंदनबाला में, शाम का प्रतिक्रमण 14 का पूरा हुआ, एक आदमी आया, मुझे कहा कि महाराज मैं पालीताना जा रहा हूँ कुछ काम। मैंने कहा मुझे तो क्या काम होता है, जाओ तो दादा की यात्रा करो। और पूनम के दिन वापस वो रात को मिला। मैंने कहा आप तो पालीताना जाने वाले थे ना, जाके। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि यहाँ से सीधा घर पे गया, लिफ्ट में बैग तैयार थी, लिफ्ट से नीचे उतरा और वहां गाड़ी तैयार थी, तो गाड़ी से मैं सीधा सांताक्रूज पहुंचा, एयरपोर्ट पे प्लेन तैयार था, वहां से मैं भावनगर पहुंचा, वहां गाड़ी तैयार थी, मैं पानी तना आया, वहां घोड़ा गाड़ी तैयार थी, वहां तलेटी में आया, वहां डोली तैयार थी, सीधा दादा के दरबार। और जिस तरीके से आया उसी तरीके से मैं वापस। अच्छा, तो मैंने कहा कि आप तो जाके आए तो बताइए, दादा के दरबार में गए तो दादा के सर पे मुकुट था, बहुत भाव से मोने कोई था, तो थू की हो तो कि थारू पार्सल की हो तो। हमारी भी आदत ऐसी, कम से कम 12 दिन घर पे जाके रोज याद करना कि पहले दिन हम ओगरज गए थे, दूसरे दिन शांतिग्राम गए थे, तीसरे दिन जल्दी बोलो सेरिसा गए थे, चौथे दिन करण नगर गए थे, पांचवे दिन बलासन गए थे, छठे दिन कोई नहीं, सातवें दिन राजेश गए थे, आठवें दिन संकलपुर गए थे, कल टूवड़ गए थे और आज। और जहां जहां गए थे वहां के भगवान को याद कर, बीच बीच में जो भी मंदिर आए थे दर्शन किए थे, कड़ी में किए थे, वो लोग कौन से भगवान थे? मैं कहूंगा कि आप काउंट करना, तो वो काउंट करता है कि भोइनी में जब हम पंडाल में गए तो 100 रुपए की प्रभावना हुई, महाराते में 200 की हुई, संगठन में 200 की हुई। अरे यार ये काउंट करना नहीं बोला था मैंने, काउंट करना कहा था कि कितने मंदिर जीते। लोग भी कमाल के होते, सेठ जैसे ही घर पे पहुंचे बाजे गाजे के साथ संघवी जी की पदवी लेते आए, आज भंडारी है, परसों इस समय वो भंडारी में से क्या बन जाएगा, अभी द्रव्य से संघवी और संघवण, परसों 40 घंटे के बाद 42 घंटे के बाद भाव से संघवी की पदवी मिलने वाली। अब भंडारी कम लिखना, संघवी जी ज्यादा लिखना, किसी को बताने के लिए नहीं, हमें ख्याल में आया, मैंने छरीपाल का संग निकाला था, मेरे जीवन में अब कोई मोटा पाप नहीं हो। संघवी जी घर पे पहुंचे और भतीजे को पता चला चाचा जी ने अभिग्रह लिया है, गुच्छा नहीं करूंगा। और भतीजा ने सोचा कि आप चाचा जी को उपवास ना कराओ तो मेरा नाम, लोग ऐसे ही रहेंगे, आप जैसे साधना के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो आपके टांग खींचने वाले आपको मिलेंगे।